200 खुशियां 1 in 200 करने का वक्त आ गया है। जिसको भी एक बजट रेंज में 10K के अंदर अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए हो, यही वक्त है दोस्तों स्मार्टफोन लेने का। क्योंकि दोस्तों आपको 10K के अंदर आपको 6GB की आपको रैम देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला है। 10K के अंदर आपको 6GB की आपको रैम देखने को मिलती है। दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको टोटल आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, और सारे स्मार्टफोन दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर दोस्तों अवेलेबल भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहल परिहार, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सोहल परिहार MGT में। लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने टोटल 5 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी है वो परफॉर्मेंस भी दे सकता है, बैटरी लाइफ भी दे सकता है, और अच्छा दोस्तों आपको डिस्प्ले भी दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर को लेके, जो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स N1B, जिसमें आपको 2GB की रैम और 32GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, इसमें आपको Mediatek G35 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको 6.52 इंच की HD+ इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको ड्यूल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। बैटरी के बारे में बात करूँ, इसमें आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। और प्राइस को लेकर बात करूँ तो वैसे स्मार्टफोन की प्राइस आपको 8999 स्मार्टफोन की प्राइस है, पर अभी आपको फ्लिपकार्ट सेल पर आपको 6999 में दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी दोस्तों आपको क्रेजी डील देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों आपको इस फोन को परचेज करना हो तो इसकी लिंक और सभी स्मार्टफोन की लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके फोन को आप परचेज भी कर सकते हो। 4th नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से, पोको C3, जिसमें आपको 3GB की रैम और 32GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ में आपको Mediatek Helio G35 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको 6.53 इंच की आपको HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है। पहला उन मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। और प्राइस को लेकर बात करूँ तो वैसे स्मार्टफोन की प्राइस आपको 9999 स्मार्टफोन की प्राइस है, पर अभी आपको ये फ्लिपकार्ट सेल पे आपको 7499 में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की लिंक और सभी स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3rd नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, Realme Narzo 20A, इसमें आपको 4GB की रैम और 64GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 665 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको 6.5 इंच की HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है। पहला उन मेन कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। साथ में आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। प्राइस को लेकर बात करूँ तो वैसे स्मार्टफोन की प्राइस आपको 11999 स्मार्टफोन की प्राइस है, पर अभी आपको फ्लिपकार्ट सेल पे आपको 9499 में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। 2nd नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है लावा की तरफ से, लावा Z6, जिसमें आपको 6GB की रैम, 64GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और साथ में आपको Mediatek Helio G33 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको 6.5 इंच की HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। बैटरी के बारे में बात करूँ, इसमें आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। साथ में आपको ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है। पहला ऑन मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 5 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए और 2 मेगापिक्सल आपको माइक्रो के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की आपको काफ़ी अच्छी आपको सेल्फी देखने को मिलती है। प्राइस को लेकर बात करूँ, स्मार्टफोन की प्राइस आपको 9999 स्मार्टफोन की प्राइस है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन अभी फिलहाल अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसको भी स्मार्टफोन परचेस करना हो इस स्मार्टफोन की लिंक और सभी स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1st नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से, पोको M2, जिसमें आपको 6GB की रैम और 64GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ में आपको Mediatek Helio G80 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको 6.53 इंच की फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग भी कर सकते हो। साथ में आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है।
कैमरे के बारे में बात करूँ जिसमें आपको क्वाड कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है। पहला उन मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल आपको वाइड एंगल्स के लिए, 5 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है, साथ में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। प्राइस को लेकर बात करूँ तो वैसे स्मार्टफोन की प्राइस आपको 12,999 स्मार्टफोन की प्राइस है, पर अभी ये आपको फ्लिपकार्ट सेल पे आपको 9,999 में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यही थे 5 स्मार्टफोन जो मेरे को दोस्तों 10K के नीचे काफ़ी पसंद है, और इन 5 स्मार्टफोन में दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए हो तो दोस्तों आप पोको M2 में भी जा सकते हो, लावा Z6 में भी जा सकते हो जिसमें आपको 6GB की आपको रैम देखने को मिलती है। अगर आपको बैटरी वाला फ़ोन चाहिए हो तो दोस्तों आप सभी स्मार्टफोन में जा सकते हो, सभी स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए हो तो दोस्तों आप पोको M2 में भी जा सकते हो जिसमें आपको फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर आपको अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए हो तो आप लावा Z6 में भी जा सकते हो जिसमें आपको 16 MP की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। दोस्तों सभी स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको भी स्मार्टफोन परचेस करना हो डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों परचेस कर सकता है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।